हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है। रिसेंटली हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट की, ये एडवाइस की कि आप अपने बच्चों को जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये कहें कि वो चाय को बैन करें, सत्तू और लस्सी पर आ जाए। इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है? जो पाकिस्तान के कंडीशन है और इकॉनमी के क्राइसिस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो पाकिस्तान का फ्यूचर पाकिस्तानी आवाम क्या देख रही है? तो आइए आवाम की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। का नाम इरफान। इरफान, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी आवाम के लिए एक नया तोहफा पेश किया है, और वो तोहफा ये है कि जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको ये एडवाइस की है कि आप अपनी एजुकेशन में, कॉलेजेस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में ये कहें कि जो बायकॉट कर दें चाय को, टी को, ताकि जो है इम्पोर्ट हम करना मुश्किल हुआ है उनके लिए, चाय को उसकी जगह जो है वो रिप्लेस करके सत्तू या लस्सी का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। क्या कहना चाहेंगे आप कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाना और मुल्क के जो हालात है वो भी आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे क्राइसिस को देखते हुए? यार, बहुत ही नॉनसेंस स्टेटमेंट है कि आप चाय छोड़ के सत्तू पिए और आपकी बिजली पूरी नहीं हो रही तो चलो जनाब हड़ताल कर दें, दुकानें बंद कर दें, बिजली पूरी कर लें। ये वो बातें जो बच्चों वाली बातें होती हैं, बिल्कुल चाइल्डिश। तो ये तो कोई भी कर सकता है भाई। आप अब गवर्नमेंट में आए हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपके पास हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, आपकी बड़ी एक मजबूत टीम है, और बल्कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के तो बड़े दावे थे और बड़ी बातें होती थी। तो अब प्रूव करो ना, अब काम करो, पता चले, कोई स्ट्रेटजी बनाओ, और अपनी बजाय इसके कि आप अपनी इनकम बढ़ाओ, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, आप चीज़ों पर पाबंदी लगा रहे हो। पिछले दिनों आप इम्पोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी, काफ़ी सारे आइटम्स पे पाबंदी लगा दी, और अब कह रहे हैं कि चाय ना पियो, सत्तू पियो। व्हाट द हेल इज़ दिस? अच्छी बात है जनाब, आजकल सत्तू पीना चाहिए, लस्सी पीनी चाहिए। जितनी गर्मी है, आपको भी पसीना आया हुआ है, हमें भी पसीना आया हुआ है, वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है, तो लस्सी पीनी चाहिए, सत्तू पीना चाहिए। ये अच्छी बात है, अच्छा आइडिया है, आइडिया अच्छा है। तो ये बताएं कि फजूल सी स्टेटमेंट्स आ जाना, मतलब चाय को बायकॉट कर दें, मतलब एक 20 रुपए का कप जो है उसको बायकॉट कर दें, और हम देखते हैं कि पाकिस्तान को मतलब ग्रो करना चाहिए, हम तो दिन ब दिन डाउन आते जा रहे हैं, और फजूल सी स्टेटमेंट्स आ जाना। लोग तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो कुर्सी कुर्सी खेल रही है बस, और तो किसी को पाकिस्तान की पड़ी नहीं है। किस तरह की फजूल स्टेटमेंट? मसला ये स्टेटमेंट फजूल है हुई ना कि मतलब चाय को बायकॉट कर दें भाई। इसके अलावा और भी दुनिया में इतने बड़े मसाइल हैं, वो कहते हैं ना और भी गम है ज़माने में, चाय को छोड़ने के अलावा राहत और भी है वसल की राहत के सिवा। तो ये बताइएगा कि आपको क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान का फ्यूचर? पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है, और अगर ब्राइट है तो फिर इस तरह की फजूल सी स्टेटमेंट्स आ जाना, ऊपर से इकोनॉमी की क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इम्पोर्ट बैन की हुई है, इम्पोर्ट अगर बैन की हुई है तो हमारे पाकिस्तान में जो बिजली की अभी देख लें, ये 9 बजने वाले हैं और तो ये सारी मार्केट जो हैं वो बंद हो रही हैं, और इलेक्ट्रिसिटी तो ना दिन में आती है ना रात में आती है। जो मुल्क की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, तो क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का फ्यूचर? ये यकीनन बुरा फैसला है, ईद आने वाली है, ये आप देख रहे हैं कि फैमिलीज यहाँ पर जल्दी जल्दी शॉपिंग समेट रही हैं, तो ईद पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें अभी लाइट बंद होगी, 9 बजने वाले हैं, तो आपके मोबाइल की जो है ना रोशनी भी कम होगी। तो बात यह है कि ये बुरा फैसला है, ये जल्दी कम से कम 11 बजे तक तो लोगों को ये इजाज़त होनी चाहिए फैसले। बाकी बिजली ही नहीं होगी सर, तो कहाँ पे ये 11 क्या ये मतलब इनका पावर शॉर्टेज की वजह से इन्होंने चाइना के पैसे पे नहीं किए, तो पावर शॉर्टेज तो होनी होनी थी। कर्जे नहीं पे करेंगे, बिजली के पैसे नहीं पे करेंगे तो फिर पावर शॉर्टेज होगी। वो सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दिया हुआ है कि भाई 9 बजे मार्केट्स बंद कर दो, इससे ये होगा कि बचत होगी तो, और साथ साथ जो बिजनेस जो है वो वैसे ही खाना खराब हुआ है। पंजाबी की कहावत है, किसी गरीब बंदे से जाके पूछते तो उन्होंने कहना सारा कुछ खाना खराब ही हो गया। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं और बिजनेस जो आपके सामने पाकिस्तान की बिजनेस की जो सिचुएशन है, आप क्या कहना चाहेंगे बिजनेस की सिचुएशन पाकिस्तान में? आपको पता है टेक्सटाइल मार्केट्स जो हैं उनको गैस ना सप्लाई होने की वजह से वो सारी टेक्सटाइल मार्केट्स बंद हो गई हैं। 45% पाकिस्तानी जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है। पाकिस्तान में बिजनेस पहले कहाँ अच्छा था यार, मतलब आप देखें कि कोविड के बाद से, कोविड एक पूरी दुनिया में एक आलमी वबा या डिज़ास्टर आया पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, तो कोविड के बाद से तो किसी का बिजनेस भी नहीं चला यार। मतलब इस तरह से आप देखें कि जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास हो गया, जो लोअर मिडिल क्लास था वो बिल्कुल ही गरीब हो गया, मजदूर तबके में आ गया वो। तो कोविड के बाद से अगर आप कहें कि किसी भी मुल्क को अगर आप उठा के देख लें तो उनका बिजनेस डाउन ही हुआ है, ऊपर नहीं गया।
सिर्फ वो तो बात आपकी बिल्कुल बेजा है कि वो कोविड के बाद से, तो अब भी तो मुझे लगता है जिस तरह ये मार्केट्स बंद कर रहे हैं, जिस तरह ये क्राइसिस हो रहे हैं, पावर शॉर्टेज हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि कोविड तो अभी तक हमारी पाकिस्तान से गया ही नहीं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि अब 9 बजे मार्केट्स बंद हो रही हैं, ये यकीनन बुरा फैसला है। ये जिस तरह से दुकानों को बंद किया जा रहा है, अब बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या करोगे यार? मतलब बिजनेस तो वैसे ठप हो गया, बिजली भी बचा रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में हमारी इज्जत थोड़ी सी बच जाए। नहीं, बिजली इस तरह से नहीं बचेगी, लेकिन ये बुरा फैसला है, इनको इसको रिव्यू करना चाहिए। सही हो गया जी। पहली बात तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, तो इस पर ये जो हमारे हमें चीज़ें अवेलेबल इजली अवेलेबल है और हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का इशू ख़त्म हो जाएगा, और दूसरी बात है अपनी चीज़ें प्रमोट होंगी तो इससे पाकिस्तान को खुद ही फ़ायदा होगा इस चीज़ से। और जिस तरह चाय को इम्पोर्ट करते हैं तो उससे बेहतर है अपना मतलब प्रोडक्ट जितनी भी हैं, चाय के अलावा जो लस्सी है, सत्तू है, उसके अलावा बाकी जो मशरूबात हैं, गन्ने का रस है, ऐसी चीज़ों को मतलब एज ए मशरूब लेना चाहिए, ना कि चाय को, ठीक है। और बाकी रही बात चाय की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो भी काम होता है, जो भी मतलब अगर कोई चेंज आती है वो ऐसा ऐसा ही आती है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं भाई पाकिस्तानी आवाम जो है वो इस चीज़ को मानेगी और इस चीज़ को प्रमोट करेगी, क्योंकि अपनी चीज़ अपने प्रोडक्ट को मतलब उसको करना, पीना खाना पीना इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है, और एक खालिस चीज़ होगी आपके पास। सर आपको नहीं लगता कि हमारा हम कितने डाउनफॉल में जा रहे हैं कि भाई चाय जो कि सिर्फ 30-40 रुपये का एक कप आ जाता था, और अब हम उसको कह रहे हैं कि इम्पोर्ट ही ना करें, भाई हमारी पाकिस्तान का निज़ाम जा कहाँ रहा है आखिर? ये बात तो नहीं है इम्पोर्ट ना करें तो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चीज़ आती है ना अपनी मतलब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, जिस तरह आपने बताया लस्सी है, तो उसमें इतनी कोई स्ट्रगल नहीं है। बाकी ठीक है चीज़ें हैं इम्पोर्ट करते हैं वो चीज़ें भी ठीक हैं, और जिस तरह आप देख लें इंडिया को हम रिलेट करता हूँ इस चीज़ से, इंडिया ने हर बात पर उन्हें कहा मेड इन इंडिया हर चीज़ होनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने क्राफ्ट बनाए अपने मेड इन इंडिया बना रहे हैं, उसके अलावा बाकी भी मतलब बहुत सारे मामलात में उन्होंने कहा भी हम इंडिया की चीज़ें, इंडिया का प्रोडक्ट को और हर चीज़ को प्रमोट करेंगे। इस तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि एज ए नेबर अगर देख लें, अगर उनको मतलब एक अपना उनका एक लेवल है, उस लेवल को देखते हुए फिर वो देखें, तो उससे बेहतर यही है जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट उनको प्रमोट करें, और वही बात चीज़ अच्छी चीज़ें होती है जो अपनी बनाई हुई चीज़ को मतलब प्रमोशन मिल जाए, तो उससे एक तो ज़रा मुबादले पर अच्छा असरात होंगे, कोई इशू नहीं होगा, इम्पोर्ट करनी नहीं पड़ेगी कोई चीज़ भी। हम अपने मुल्क में जो चीज़ आपको लगता है कि हम अपने मुल्क में चीज़ें बना रहे हैं? जी ऐसा ऐसा काम चल रहा था इमरान खान के दौर में, लेकिन अब तो जैसी हुकूमत PDM 13-14 जमातें इकट्ठी मिल के आई, मुझे नहीं लगता अब कोई ऐसा कोई काम होगा, क्योंकि पहले इमरान खान का ये विजन था भाई जो चीज़ भी हो पाकिस्तान में बने और पाकिस्तान में बिके, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा ऐसे मामलात होंगे, तो अल्लाह कह रहे दोबारा इमरान खान आए और दोबारा वही प्रोडक्ट और वो चीज़ें बनना शुरू हो जाए पाकिस्तान में। अगर इमरान खान साहब आ गए तो जो हालत नज़र आ रही है ना वो भी नहीं रहती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसके हम बंदे ना यही सोच रहे हैं भाई इमरान खान आगे अगर चलता जाए पीछे पीछे नया पाकिस्तान बनता जाए, ये चीज़ नहीं है। आपको लगता है कि पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन गया? बना नहीं, अब नए से पुराने में फिर दोबारा आए हैं, और वही चीज़ें घी देख लें, तेल देख लें, अब खुद आपको पता है आप सफ़र करके आते हैं कितने रुपए लीटर डलवा के आप आते हैं, तो ठीक है महंगाई होगी, आवाम को मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं जितना भी एकदम इन्होंने शुरू कर दिया है। और बाकी रही बात इमरान खान की जो पॉलिसियों के बारे में बात करता हूँ, उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, उसकी शॉर्ट टर्म ये नहीं थी भाई एकदम ही तब्दीली आ जाए, उसकी ऐसा ऐसा तब्दीली आनी थी, और ये भी सारे आवाम को भी पता था, लेकिन अब आवाम को बहुत ज़्यादा वाजे हो रहा है भाई PDM आई है और किस तरह मामला चेंज हो रहे हैं पाकिस्तान के, किस तरह आवाम जलील हो रही है। जलील तो पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही है, नहीं ज़्यादा हो रही है एक्चुअली, पहले फर्क बस यही है कि पहले कम हो रही थी अब ज़्यादा हो रही है। नहीं, कम की बात अब आपने खुद कह दी, कम की बात आ रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक होते हैं, एकदम ठीक नहीं होते, और इन्होंने आके एकदम हर चीज़ की कीमत इस तरह बढ़ाई है जो गरीब आवाम पिस के रह गई है। अब वही जो कुकिंग ऑयल था उसको देख लें, अब कुकिंग ऑयल तकरीबन पहले था 400-500 तक का, अब 700-800, अब दोबारा भी उन्होंने टैक्स इम्पोज करना है, जो IMF से ये दोबारा मुआहदा कर रहे हैं उसमें यही तय पाया है जितना बजट आपने पेश किया उससे 10 गुना कम बजट करें, इस मामला मतलब मामला ठीक हो तब उनको दूसरी किस्त मिलेगी IMF से,
और बाकी चाइना फिर भी हमारी हेल्प करता है, पहले भी हेल्प की उनने, अब भी हेल्प की उनने, अपने पास से कुछ मतलब कर्जा पाकिस्तान को दिया जिससे थोड़ा स्टेबल हुआ है, लेकिन अब भी हमारे जो पी डी एम है उसका उसकी निगाह आई एम एफ के कर्जे पर ही है, बस जैसे वो मिलेगा हमें ये समझ नहीं आती भाई कर्जा लेके फिर हम कहते हैं हम अच्छी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, ये तो कोई नहीं चीज़ ना, अपने प्रोडक्ट बनाए, अपनी चीज़ें बनाए, इससे बेहतर होगा पाकिस्तान की प्रमोशन भी होगी ओवरऑल पूरी पूरे वर्ल्ड में, और साथ साथ में पाकिस्तान के प्रोडक्ट सेल भी होंगे और पाकिस्तान को इससे मुनाफा भी होगा। देखिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनसे ये दरख्वास्त की है, उनको एडवाइस किया है कि आप अपने कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में ये कहें स्टूडेंट्स को कि वो चाय का बॉयकॉट करके जो है सत्तू और लस्सी पे आ जाएं। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के जो क्राइसिस हैं और इस तरह की फजूल की स्टेटमेंट्स आ जाना, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान आप कहाँ पर देख रहे हैं? पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, हम देसी लोग थे, पहले भी सत्तू लस्सियाँ पीते थे, फिर ये हमारे पास विलायती निज़ाम आ गया और हमने चाय पीना, कॉफ़ी पीना, कैपोचिनो और पता नहीं क्या क्या हमने शुरू कर दी, तो शायद हुकूमत चाह रही है हमें दोबारा वापस ले जाएं आज से 50 साल 100 साल पीछे या शायद उससे भी ज़्यादा पीछे हम सत्तू लस्सी पीते होंगे, तो ये आवाम का सत्तू निकालने वाली बात है। बिल्कुल ये बड़ा इनमेच्योर सा बयान है हुक्मरानों को, लेकिन देखेंगे इमरान खान को कि इमरान खान कट्टे बच्चों की, मुर्गियों की, अंडों की बातें करता है। आज ये आ गए, पहले इन्होंने कहा जी कि हम अपने कपड़े भेज देंगे, अब ये कह रहे हैं कि आप चाय ना पिए, कल को ये कहेंगे कि जी आप सांस ना लें, एक तरफ से लें एक तरफ से ऑक्सीजन बचाएं। तो इस हैफ है इस हुकूमत पे कि इतनी अनमेच्योर हो गई है, अगर संजीदगी से देखा जाए तो ये बयान बिल्कुल बचकाना है, चाय पीने से कम या ज़्यादा से तो इकोनॉमी को फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, या तो आप बिल्कुल ही कोका कोला पेप्सी का बॉयकॉट करके गन्ने का रस पिलाएं सबको, फिर है ना जो बड़े मल्टी नेशनल ब्रांड्स हैं जो कमा रहे हैं, चाहे कोई कितनी पी लेता है इस गर्मी में, मतलब मैं 3 कप बड़ी हद पी सकता हूँ, आम सर्दी में हम 5 से 6 कप पी लेते हैं, तो आप कोको कोला का बायकॉट करवाएं ना, आप कह दें जी हम कोको कोला इस मुल्क में नहीं बिकने देंगे, आप हुक्मरान हैं आप करें बायकॉट, आप करें कि हम एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं वो बूस्टर ड्रिंक्स नहीं बिकने, हम माल्टा बेचेंगे, माल्टे का जूस, गाजर का जूस, आम का जूस, तो ये बिल्कुल अनमेच्योर सा है और मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ाना बिल्कुल उनका ये बयान है। तो आप जो देख रहे हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के क्राइसिस है वो भी अरूज पे जाते जा रहे हैं और हम देखते हैं कि मुल्क जा किस सिमत में रहा है, आखिर आप क्या कहना चाहेंगे? ऊपर से चाय और इस तरह की फजूल सी स्टेटमेंट्स आ जाना, आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का ब्राइट होगा, लेकिन सब ब्राइट होगा ये तो बताएं। देखें चेंज तो आना है, आज नहीं तो कल से ही चेंज तो आना है, लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट है, 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से भी ज़्यादा इनको गवर्नमेंट में आए, अभी तक इनका कोई प्लान सामने नहीं आया, इकनॉमिक कोई प्लान सामने नहीं आया किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करेंगे, और तो और बात रही पंजाब में अभी तक वो बजट जो है वो मंजूर नहीं करा सके, और इतने सारे क्राइसिस हैं, कोई इनका प्लान नहीं है, जो इनका असल इनका जो प्लान था वो ये था कि आना है, NRO लेना है, अपने केसेस ख़त्म करवाने हैं और नैब में इस्लाहात करवाने हैं। पाकिस्तान का तो कोई नहीं सोच रहा ना, फिर पाकिस्तान का सोच नहीं रहे, वो बस अपने नैब के केसेस जो है वो ख़त्म करवा रहे हैं, कोई चोर है तो कोई जो है वो सीना जोरी करता है, कोई मतलब यहाँ पर कोई इंसाफ की बात तो कोई करता नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा पाकिस्तान का सोचने वाले बहुत हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का सोचता है ना उसे कोई आगे आने नहीं देता, आ भी जाए किसी ना किसी तरीके से आ भी जाए तो उसको कोई टिकने नहीं देता। तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है, अल्लाह पाक पता नहीं कैसा सर ब्राइट है, जो हालात मामलात लग रहे हैं बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं और पाकिस्तान जो है बस मतलब किसी किस्मत के भरोसे ही चल रहा है। पाकिस्तान इंशाल्लाह ता कयामत सलामत रहेगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह पे, और इंशाल्लाह ता कयामत सलामत रहेगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, लोग आते जाते रहेंगे, गवर्नमेंट्स आती जाती रहेंगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह ता कयामत रहेगा सलामत रहेगा। लेकिन चूंकि आपको पता है कि जब गवर्नमेंट तब्दील होती है तो पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, अब पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और थी, उन्होंने भी बड़े मुश्किल फैसले किए, बड़े मुश्किल टाइम दिखाया आवाम को, इस गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, अपना माइंडसेट है, तो ये जिस तरह के लेके चल रहे हैं, देखें असल एहतसाब जो है ना वो तो आवाम ने करना है, वो जब वोट डालेगी अवाम वो कच्चा चिट्ठा खुल के सामने आ जाएगा। तो सर क्या पाकिस्तान का फ्यूचर देख रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स, और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, ऊपर से पाकिस्तान जो है इस तरह की जो मतलब गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान का कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं सारे, ठीक है किसी को पाकिस्तान की नहीं पड़ी बल्कि वो कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर आप आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं?
देखिए बानी पाकिस्तान का एक कॉल सुनहरी कॉल है कि देर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। मुझे लगता है शहबाज शरीफ ने इस कॉल के नाल जो है ना उसके साथ वो उसने पंगा लेना शुरू कर दिया कि अगर कायदे ने कहा कोई नहीं मिटा सकता मैं मिटा के दिखाऊंगा। खुदा का वास्ता कुछ रहम करें इस कौम पे, 234-235 रुपये आपने ऑलरेडी पेट्रोल कर दिया है, इस पर भी आप समरियाँ हर साल करते हैं और फिर लोगों को ये ढकोसले सुनाते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब समरी पर साइन करते हुए रो पड़े आप दीदा हो गए। तो मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, मुझे अपने पाकिस्तान से, अपने मुल्क से, अपनी कौम से, अपने भाइयों से, सबसे अपने आप से सबसे प्यार है। मैं चाहता हूँ कि ये मुल्क जो है तरक्की करे, खुशहाल रहे, लेकिन खुदा ना खास्ता ये अगर रहे तो हम 10 साल पीछे अभी जा चुके हैं। अगर ये मजीद रहते हैं तो हम पता नहीं 50 साल 100 साल कहाँ पर पीछे चले जाएंगे और कहाँ से हमें दोबारा जो है वो भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो एटम बम हमने बना लिया, लगता है घास अभी इन्होंने खिलानी है हमको, वो जो रह गई थी घास। तो खुदा का रहम वास्ता है, हम पर रहम करें, हमें जीने दें और पाकिस्तान को चलने दें। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, खूबसूरती के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के लिहाज से, आवाम यहाँ पे बड़ी प्यार करने वाली है और सब मिले जुले हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी के जितने भी हुक्मरान हैं, ख्वाह अपोजिशन है ख्वाह वो हुकूमत है, इन सबको मिलकर बैठना चाहिए और पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए खालिस्तान जो है इनको सोचना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो चल सके और दुनिया पर रह सके। पहली बात तो ये है कि चाय अगर कम पीने से पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती है ना, तो मैं कहता हूँ इससे जो है ना आसान कोई हल हो ही नहीं सकता। कितनी ये अजीब और बेवकूफ़ वाली बातें हैं जी, चाय कम पियो, 2 कप जहाँ पीते हो वहाँ 1 कप पी लो, आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। भाई कितनी जहलाना बात है, कितनी इलिटरेट लोगों की ये एक स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात यह है कि चलो अगर दूसरा एस्पेक्ट देखें तो चाय से बेहतर ही है कुछ सत्तू गोंद गतीरा पिएं या आप जो है ना वो दूसरा जो है कुछ मशरूबात पिएं। गर्मी जितनी है ना, हीट वेव चल रही है, 41-42 टेम्परेचर जा रहा है, तो उस हिसाब से चलें सत्तू लस्सी भी ठीक ही है। लेकिन ये कोई इतना अच्छा कोई स्टेप नहीं है, कोई इतना जो ना अक्लमंदाना कोई बात नहीं है जो आप लोगों को और पाकिस्तानी आवाम को कह रहे हो जी चाय कम कर दो। और दूसरा ये है कि चाय जो है वो इश्क बन चुका है लोगों का ना, और फिर ख़ास तौर पे जो आशिक लोग हैं वो तो गर्मियों भी नहीं चाय छोड़ते, चाय एक रोमांस है पाकिस्तानी पब्लिक का, तो वो चाय कम नहीं हो सकती चाहे जितनी मर्जी ये पाबंदियाँ लगा दें। ये रोमांस को लेकर ये बताएं आप कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इसको, मतलब जो हमारी इकोनॉमी की क्राइसिस वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं, और इस तरह की जाहिलाना स्टेटमेंट आ जाना हमारी गवर्नमेंट की जानिब से, तो क्या कहेंगे? देखें ये बड़ी एडियोटिक परफॉर्मेंस है PMLN गवर्नमेंट की, और ख़ास तौर पे ऐसा इकबाल साहब जिस तरह कह रहे थे कि 2 कप जहाँ चाय पीते हो 1 कप पियो, ठीक है ना, तो ये हमारी बातें हमारी समझ में तो नहीं आती। दूसरा ये है कि जो लोग मना कर रहे हैं ना, इनके दफ्तरों में 24 आवर्स चाय चलती रहती है, ये घरों में चाहे 4-4 कप पीते हों लेकिन लोगों को मना करना है, लोगों को कहना बिजली कम इस्तेमाल करो, घर AC छोड़ के चिलर लगे हुए हैं और इनके नौकरों के कमरे में भी लगे हैं जो 24 आवर चलते हैं, कभी बंद ही नहीं होते। सबसे पहले तो सेल्फ एनालिसिस करें, अपना करैक्टर खुद देखें कि हम लोग क्या हैं, ठीक है। बड़े बड़े ऑफिस जो हैं गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, स्पेशली PM House जो है और उसके बाद GHQ है या जो भी हैं, उधर बिजली की बचत करें ना। बड़ी बड़ी सनतें हैं जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ बिजली की बचत करें, उसके बाद जो पाकिस्तानी आवाम को कहें, छोटे छोटे करियाने हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, उनकी 9 बजे लाइट बंद कराने से उनकी रोटी पे टांगे ना मारें, ठीक है ना। उसके बाद पहले अपना एनालिसिस करें, खुद देखें कि हम कितने को बचत कर रहे हैं। 20-25 गाड़ियाँ लेकर प्रोटोकॉल में घूम रहे हो, वह पेट्रोल लगती हैं, वो कहीं पानी से नहीं चलती। थैंक यू जी। तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। थैंक यू सो मच।